वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ खीरे का रायता बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आप लौकी का रायता खा खा के बोर हो चुके हैं तो खीरे के रायते वाली रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलिए इसे बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो खीरा और दही लिया है, और उससे पहले यहाँ पर जीरा जो है उसको आप थोड़ा सा भून लीजिए। हमें जीरे का पाउडर चाहिए, तो पहले हम घर पर ही जीरा भून लेंगे, फिर उसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास खलबट्टा हो तो उसमें कूट लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना जुआड़ इस्तेमाल किया है, देसी हैक। इसको मैंने बेलन और पीड़े पे ऐसे इसकी मदद से पाउडर इसका बना लिया है। अब भी चाहे तो ये हैक घर पर ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा सा फाइन जो पाउडर है जीरे का, एकदम तैयार हो चुका है। उसके बाद खीरे को अच्छे से हम छील लेंगे धो के। उसके बाद हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, पर कद्दूकस करने से पहले आपको खीरे को इस तरह काट के इसके पीछे वाले हिस्से को इस तरह रगड़ लेना है, ताकि जो खीरे का कड़वापन है वो निकल जाए, वरना रायते में खीरा जो है वो कड़वा कड़वा आएगा तो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर खीरा आपका कड़वा हो तो इस तरह से रगड़ के आप देखिएगा, कड़वापन निकल जाता है। अब उसके बाद रगड़ने के बाद हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। और इस तरह से देखिए, मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम फटाफट से दही में डाल देंगे। कद्दूकस देखिए, मैंने जैसे बहुत से साइज होते हैं कद्दूकस के, तो ये लंबा लंबा साइज मुझे अच्छा लगता है। आपको जो पसंद हो उस साइज़ के हिसाब से अपना कद्दूकस कर लीजिए। इससे पहले आप दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। हम इसमें डाल देंगे जीरा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें काला नमक, जो कि बहुत अच्छा होता है हाजमे के लिए भी, और फिर स्वाद अनुसार जो सादा नमक घर में इस्तेमाल करते हैं वो खाना बनाते वक्त। और उससे पहले डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च को थोड़ा सा पेस्ट भी बना सकते हैं और डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी बूंदी ऊपर से, और ये बहुत ही अच्छा रायता तैयार हो चुका है, एकदम टेस्टी। अब आपको रायते में खीरे का कड़वापन नहीं आएगा। इस तरह से बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।